फैशन ब्रांड है जो हर साइज और शेप की औरतों को सेलिब्रेट करता है। हमारे कपड़े अपनी टेलरिंग, क्वालिटी और कंफर्ट में बिल्कुल अनपैरेलल्ड हैं। हमने एक प्रोप्राइटरी साइजिंग चार्ट भी डेवलप किया है स्पेसिफिकली इंडियन बॉडीज के लिए, ताकि चाहे आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के हो या 5XL, सब वुमेन हमारे कपड़ों में कॉन्फिडेंट फील कर सकें। इसके अलावा हमारे पास दो सिस्टर ब्रांड हैं, सांझ पैलिया और लांच पैलिया। सांझ पैलिया जहाँ एक्सक्लूसिव एथनिक वेयर देता है, वहीं पर लांच हमें स्विम वेयर और लॉन्ड्री डिलीवर करता है। हम अपने ओकेजन वेयर के लिए भी बहुत फेमस है। हमने अपनी जर्नी 2021 में शुरू करी थी और प्राइमरली हम ऑनलाइन अपने ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू सेल करते हैं और मेजर मार्केट प्लेस पे भी अवेलेबल हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे कपड़े बनाएं जो कर्वी वुमेन को ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करे, ताकि वो खुशी से खुलकर उन्हें पहन सकें। इसके लिए हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क, लेट्स सेलिब्रेट कर्वी वुमेन वनली एट अ टाइम। थैंक यू। थैंक यू। आपके डिजाइन जब मैं यहाँ देखती हूँ, इट सीम्स मोर लाइक पार्टी वेयर। पूरा आइडिया था मोर टू फोकस ऑन ओकेजन वेयर, चाहे वो हो बर्थडेज के लिए, चाहे वो बैचलरेट पार्टीज के लिए, ब्राइडल शावर्स के लिए, आपके डेट नाइट्स के लिए। हमारे पास एक्चुअली कस्टमर्स हैं जो 3 साल से हम चल रहे हैं, तीनों साल अपने बर्थडेज पे उन्हें सेव करके सिर्फ लिया की ड्रेस पहनी हुई है। एन एवरेज प्राइसिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो देखूं, द रेड वन, यस, जिस जो काफी इलैबोरेट है, yes. Versus maybe the other red one with the heart shape, just slightly simpler. Yes, red Isabel jo dress hai, wo hogi around 8000 ki. Okay. To corset ka price hoga 3990 aur skirt ka price hoga 3290. So almost about 7200 rupees. Kab launch kiya aapne? January of 2021. Aur abhi last month aapne kya sales? Last month meri apni website se hui thi around 40 lakh ki sales, and marketplaces ke sath mila ke meri around 60 lakh ki sales. Last year mein hui thi meri 3 crore net sales, 4.35 crores gross sale, and उससे पहले मेरे हुई थी 1.5 करोड़ की ग्रोस की नेट सेल्स एंड 2.35 करोड़ की ग्रोस सेल्स। तो एवरी ईयर डबल हो रहा है धंधा मोटा। हां जी, हमारा एक और चीज है जो हमें सेपरेट करता है, व्हिच इज आवर इन्वेस्टमेंट इन फैशन टेक्नोलॉजी। इट्स कॉल्ड द लिया वर्चुअल ट्रायल रूम। दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, इट्स गोना बी लॉन्च्ड नेक्स्ट मंथ, पर अगर आप उस पे क्लिक करेंगे ट्राई इट ऑन बटन पे, दिस ऑफ कोर्स आवर एमवीपी, दिस एक्चुअली गिव्स अ हाइपर एक्यूरेट 3D मॉडल, एन अवतार ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन कस्टमाइज नॉट जस्ट बाय योर साइज but also your body shape. जैसे अगर मेरी मॉम है, she has a beautiful pear shaped body, तो वो select कर सकती हैं pear shape. And हम अपना height और weight भी इसमें customize कर सकते हैं, अपना skin tone भी, और अपना hip, waist और chest के exact measurements भी डाल सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि ये कार्ला silk corset top मेरे ऊपर कैसा लगेगा. किससे license किया? License नहीं किया, ये हमने बनाया है. अच्छा, आप में technology? We have technology partners जिनके साथ हमने partner up किया है for this. But ये ऐसे 3D try on बहुत सारे थे, आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, आप use कर सकते थे. कितना spend किया आपने उसमें? 8,50,000 spend किया है. I'll give you the 1 crore. But I'll take 4%. Okay. Which is 25 crore. Okay. Valuation. In addition to that, I would ask for 2% of sales on as royalty until I make 1.5x my money. उसके बाद 1.5 times your money. Money and then that goes away. My offer is actually the same as Anupam's, which is 1 crore for 4% plus. And I don't mind going with him on this deal because I think हम आपकी काफी मदद कर सकते हैं. Let's do it. I would like to join the two of you at this offer. I would love to join them. So I love your entrepreneurial spirit. Thank you. और आपका offers भी बहुत अच्छे मिले हैं. हाँ जी. Unfortunately, मैं out होना चाहूँगा. No worries. मेरे को ये मतलब मैं ज़्यादा interest नहीं दिखा पाऊँगा आपके business में. It's okay. No worries. This I'm proposing on everybody's behalf. I'm happy if you all four come in. Okay. But it'll cost you 1 crore for 6% and 2% sales on royalty. Valuation conscious नहीं, value conscious रहिए. Make a decision, Lavanya. 1 crore for 4% equity, तो 2% की जगह अगर हम 1% पे ले आए for the royalty, I think that could be something that is amenable. If 1 crore 4% जो valuation ask है वो agreed है, 2% royalty till 1.5 times is a no go for us. It's a final offer. All right, we'll go for the deal. All right. Oh, all right. Good decision. You took a stand. हमारे मदर डॉटर ब्रांड 8 साल पहले एक क्राइसिस से शुरू हुई थी। हमें बिजनेस या फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था,
लेकिन मेरे स्टिचिंग के पैशन और श्वेता के डिजाइनिंग का टैलेंट लेके हमने वॉइस ब्लू शुरू किया। हमारी ये कंपनी हमारे लिविंग रूम के कोने से स्टार्ट हुई थी, लेकिन टुडे हम बहुत प्राउड है कि कुछ ही दिन पहले हमने हमारी पहली फ्लैगशिप स्टोर मुंबई में लॉन्च की। शार्क्स, हम चाहते हैं कि हम आपके वार्डरोब में एक कलरफुल मेकओवर लाए एंड सस्टेनेबल फैशन की जो बोरिंग इमेज है वो चेंज करें, बिकॉज स्लो फैशन कैन बी फन टू। इसलिए हमारे आस्क है 75 लाख फॉर 3% इक्विटी। सो शार्क्स, जब भी आप फील करें ब्लू, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई सो ब्लू। Vinita, do you like this as a fashion? Aman, the concept ye upar niche wala is like good home lounge wear. But this is lounge wear, not fashion wear. Thank you so much. But quads log bahar pehnte hain. Jo aap ghar pe pehnte ho, main to matlab usko lounge wear. Jo lounge wear bahar pehnne ka bahut bada trend aa gaya hai. But this is not bahar pehnne ka, it's more home. Nahi, aajkal aise quads log bahar pehnte hain. Quads bahar pehnte hain. ऐसे क्वार्ट्ज बाहर पहनते का क्वेश्चन दैट इज पर्सनल, बट ऐसा ये मुझे घर पे पहनने का, दिस इज समथिंग आई वुड वेयर। ये बाहर पहनने का ही कपड़ा है, दिस इज नॉट घर पे पहनने का। Whether you like the fashion or not is a different story. क्या आपका फैशन सेंस ये इसको फैशन बोलेगा, हाँ या ना? मैं नहीं पहनूंगी ये, बिकॉज मैं ऐसे एथनिक प्रिंट्स नहीं पहनती हूँ। दिस इज प्योर मटेरियल, ये क्या है? ऑल कॉटन, प्योर कॉटन। या टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे ऑफिस फ्लोर पे काफी लोग हैं, मतलब अबव 500। मैंने यूजुअली ये फैशन अभी ऑब्जर्व नहीं किया है ऑफिस में। क्वाड इज अ बिग ट्रेंड अभी, आई थिंक लास्ट 2 इयर्स एटलीस्ट 1 ईयर में क्वाड का पिकअप बहुत ज्यादा है। आई थिंक इज कॉटन क्वाड अ बिग ट्रेंड? सॉरी, कॉटन क्वाड इज अ बिग ट्रेंड। क्वाड इज अ बिग ट्रेंड, इवन कॉटन, इवन कॉटन, जस्ट कैन आई फिनिश? Quad is a big trend. Yeah. Cotton quad to wear outdoor, is it a big trend? Because it crushes. It crushes, but अगर आप polyester और cotton में compare करें, cotton आपके skin को a lot of people irritate भी नहीं करता है, you don't feel hot, and हम tropical climate में हैं, तो ये actually हमारे climate के लिए ही बनी है, so the comfort is way more. कितने पे बेचती हैं ये? So जो quads है around 5000 to 5500 के range के हैं, and dresses range from 3500 to 6500 के आसपास. 5000 seems very expensive for cotton quad. आप लास्ट 2-3 साल की सेल बताओ। हमारा 3 साल पहले सेल था 1.15 CR। वाओ। ये साल हमने क्लोज किया 1.95 CR। अभी ईयर टू डेट हमने 3 करोड़ क्रॉस कर लिया। वाओ। तो फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट करते हैं आप? वी विल डू अराउंड 7.5 to 8 crores दिस ईयर। यू विल ग्रो 4 times दिस ईयर। या, वी हैव ऑलरेडी डन 3 एंड वी एंटीसिपेट। क्या, व्हाट इज, कैसे हो रहा है, व्हाट इज फ्यूलिंग दिस? सो एक्चुअली हमने लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया था, दे वर हैंडलिंग इट, लेकिन फेब में रियलाइज हुआ कि वो पोटेंशियल जो हमें लग रहा था वो नहीं दिया, तो मैं आई लेट देम गो। वेरी गुड। एंड फिर मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग खुद लिया। थोड़ा 2-3 चीजें बताएंगी आपने अलग क्या किया एजेंसी से? आई थिंक एक था कंटेंट लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, द कैप्शन कॉपी। आई थिंक बिकॉज हम खुद बेच रहे थे, आई थिंक हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग उन्हें क्या सुनना है हमसे, तो एक तो वो चेंज हुआ। एंड आई थिंक हम ज्यादा हैंड्स ऑन थे इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या पुश करना चाहिए, किधर एम्फेसिस होना चाहिए, जो उनको शायद आई बिलीव उतना समझ में नहीं आ रहा था। आपका 3 साल आगे का क्या प्लान है? 27 तक आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं बिजनेस को? सो हमारा प्लान है दिस ईयर 7.5-8 तक होगा, नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे 20 तक हमें पहुँचना है, सो उसके बाद 45 एंड 100, हमने इधर तक मैप कर लिया है कि हमें करना है। मैं अभी आउट हूँ क्योंकि मुझे ये फैशन नहीं समझ आ रहा। मैं अगर आपके साथ जुड़ गया ना तो मैं आपके डिजाइन ही चेंज कराता रह जाऊंगा और आप मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट रीजन कीप योर लाइफ सिंपल, आई एम आउट। थैंक यू। इसमें स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी एंड दूसरा जो प्राइसिंग है 5000 एक अफोर्डेबिलिटी चैलेंज बन जाएगा। एज ऑफ नाउ स्केल एंड इन्वेस्टेबिलिटी का इशू लग रहा है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ओके, अभी मैं इससे बाहर हूँ प्योरली बिकॉज आई थिंक यू नीड टू कीप डूइंग ट्रायल, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्टेज फॉर योर बिजनेस। थैंक यू। मेरा ऑफर आपके लिए है कि मैं आपकी कंपनी में 40 लाख का इक्विटी निवेश करना चाहता हूँ 3% ऑफ इक्विटी के अगेंस्ट, और उसके साथ साथ 35 लाख का डेट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए आपको मदद करेगा, और ये होगा 10% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए। Okay. तो ये मेरा आपके लिए ऑफर है। गुड ऑफर, डील पक्की। कांग्रेचुलेशंस।
very quick decision making, huh? I am really excited about it. Well done. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. हमारे देश में 100 से भी ज्यादा साड़ी की वैरायटीज हैं, लेकिन आज तक एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पे ये सारी की सारी वैरायटीज हमें एक जगह पर मिल सके। हमने पूरे भारत में भ्रमण किया, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई किया और उनको एक साथ लेकर आए विद अ प्लेटफॉर्म दीवा। आज दीवा भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से साड़ी पहुंचाने का काम कर रहा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की पैठणी हो, तमिलनाडु की कांजीवरम हो, ट्रेडिशनल बनारसी हो, या फिर आज की युग के लिए वन मिनट साड़ी। शार्क्स, मेरा विजन है कि मैं भारत के कल्चर को पूरे वर्ल्ड तक लेके जाना चाहता हूँ। भारत से पहला ग्लोबल साड़ी ब्रांड बनाना चाहता हूँ और दीवा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो इन सारी कैटेगरीज के लिए। और इसी सपने को सच करने के लिए आज मैं आप सभी से मांगने आया हूँ 2 करोड़ रुपए इन रिटर्न टू 4% ऑफ माई कंपनी। शार्क्स, क्या आप मेरे साथ जुड़कर मेरे सपने को सच करना चाहते हैं? आप बस मेरे साथ जुड़िए, फिर इस साड़ी की सारी मेहनत हमारी। धन्यवाद। तो ये आप हैंडलूम बनाते हैं, पावर लूम, क्या है ये? पावर लूम है मेजरली। अच्छा, हमारे पास हैंडलूम भी है लेकिन वो ऊपर रेंजेस में आ जाती है, तो मेजर जो हमारा कस्टमर है वो 2500 की साड़ी खरीदता है। ये सारी जो साड़ियां हैं इनमें पॉलिएस्टर मिक्स्ड है कि प्योर सिल्क? फुल प्योर तो नहीं है, क्योंकि अगर हम फुल प्योर करने जाएंगे तो डेफिनेटली वो एवरेज रेंज ही 7-8,000 से स्टार्ट होगी, लेकिन सेमी प्योर है और पूरा इंडिया सेमी प्योर ही पहन रहा है आजकल। किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉप में अगर कोई साड़ी लेने जाएगा इक्वल क्वालिटी की, तो आप कितने सस्ते होंगे किसी और से? सर, मैं ऑफलाइन का तो आपको नहीं बता सकता बिकॉज़ हम फुल्ली ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में आप मेरे को कोई भी साड़ी का फोटो दिखा दो, पूरे इंडिया में जितने भी रेट पे मिल रही होगी उससे ज्यादा नहीं तो आधे रेट पे वो साड़ी आपको। लेकिन जब मैं ये प्रोडक्ट देख रही हूँ तो वो फील नहीं आ रही क्वालिटी की, जो सेमी प्योर में भी फीलिंग आती है। मेरे पास सेमी प्योर भी बनारसी साड़ी है, वो भी फीलिंग नहीं आ रही है। आप एक 7-8 हज़ार के कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। हाँ। आप एक ऐसे कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचिए जो कि 2000-2500 की साड़ी ले रहा है और पार्टी में डालने के लिए वो साड़ी ले रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव अगर आप सोचेंगे ना तो ये साड़ी बिक रही है मार्केट में। और हाँ। ये सेम साड़ी अगर आप आज सर्च करने जाओगे गूगल पे तो आपको यही साड़ी 4,000 या 5,000 रुपए में मिलेगी जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई हुई है। अभी तक मैम हमने 2.67 crore का रेवेन्यू कर लिया अक्टूबर एंड तक, और हम क्लॉक टारगेट कर रहे हैं कि हम इस बार 7 से ऊपर जाएंगे। पिछले साल कितना किया था? 1.93 crore। इतना ग्रोथ कैसे आ गया? सर, लास्ट ईयर जो हमने किया था उसमें हमारा एवरेज टिकट साइज 1,000 से 1,100 रुपए ही था, और उस टाइम पे मैं लर्निंग फेज में था, मैंने सीजन 2 के लिए भी अप्लाई किया था। और आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड है अभी? हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट ऊना है, वहाँ पे गांव है बंगाना, वहीं पे बेस्ड है। और बंगाना से चला रहे हैं बिजनेस? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आई थिंक ब्रांड बनाने में जो आप बार बार एक ही अपना मैन्युफैक्चरर कनेक्शन उसी की बात कर रहे हैं, आप धंधे की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिविटी से ब्रांड नहीं बनेगा, एंड अभी तक डिफरेंशिएटर जो समझ आया वो था आप कंज्यूमर को कॉल करते हैं, जो बहुत अमेजिंग है, पर इट्स नॉट अ बिग इनफ डिफरेंशिएटर। सो एज ऑफ नाउ आई एम आउट, बट बेस्ट। I think यार आप तो एक तो you are a very good salesman and strategically भी काफी अच्छा सोच लेते हो आप, and I was keen on making an offer but some of your answers are a little bit too good to be true वाले। अभी भी आपने बोल दिया हिमाचल को आपको ये करना है, आप already investing कर गए, तो पहले एक कुछ बड़ा बनाना चाहिए, हर चीज का step by step होता है ना, कुछ काम हमें भी करने दो। Somewhere मेरी gut अभी मुझे इजाजत नहीं दे रही है इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं आज अभी बाहर हूँ, but you'll do very well। अगर आप आएंगे तो शायद मैं और focus हो जाता, but ठीक है कोई बात नहीं। मैं तेरे को एक ऑफर दूंगा जिस तेरे साथ एसोसिएट होने के लिए 20 लाख रुपए इक्विटी एट 5%, बाकी 1 crore 80 lakhs डेट एट 10% फॉर 2 years। मेरा प्रपोजल है अमन से कि अगर अमन आप इंटरेस्टेड तो मैं आपके साथ में सेम डील में 50-50% डिवाइड करने के लिए तैयार हूं। 10 लाख 10 लाख या आप 1 crore 80 डाल दो ना, आपके पास तो बहुत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो एक सेकंड बात कर लेते हैं पीछे। तो ऑफर ये है कि हम 50 लाख रुपए निवेश करेंगे, 50 लाख में 5% का ओनरशिप लेंगे, 1.5 crore रुपए आपके कंपनी में डेट पे निवेश करेंगे। आपको सुनाई? Just because मैं passionate हूँ इस case, I can add 25 lakh of equity, आपका डेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो we'll combine it। तो अभी आ रहा है नया डील छोटे शहर से बड़ी बिजनेस बनाने के लिए, 75 lakh rupees हम निवेश करेंगे 7.5% ऑफ आपकी कंपनी के लिए, उसके साथ में 1.25 crore रुपए का आपके पास में रहेगा डेट लाइन, यानी कि आप जब ड्रॉ डाउन करें तब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% पे 3 साल के टेनर पे आपको डेट मिलेगा। आप बताइए आपको ये डील करना है?
मेरा फाइनल काउंटर रहेगा कि अगर आप तीनों सेम अमाउंट एट 6% विच इज 75 लैक्स एट 6% 2% ईच अगर आप आना चाहें कर लेते हैं ठीक छोटा सा कोई कर लीजिए डील पक्की डील पक्की कांग्रेचुलेशन मिलके सबको साड़ियां पहनाते हैं साड़ी सेल देखो कैसे बढ़ेगी हमारी।